हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। किसान आंदोलन का आज तीसवां दिन है और अपने आंदोलन को गति देने के लिए किसानों ने आज हरियाणा में टोल फ्री का ऐलान किया है, जिसके तहत किसान संगठन से जुड़े लोग अलग अलग टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं और टोल को फ्री करवा दिया है। हालांकि अभी कई जगहों पर टोल वसूला जा रहा है। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन इसीलिए भी काफी अहम है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से मुखातिब होंगे। हमारी रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज तीसवें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों ने आज से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। इसके तहत आज से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल फ्री किए जाएंगे। पहली कड़ी में किसानों ने आज सड़कों पर उतरकर कई टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान पिहोवा थाला टोल प्लाजा पहुँचे और टोल को फ्री करवाया। इस दौरान किसान संगठन से जुड़े लोगों ने एक बार फिर सरकार से तीन कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। देखिए, इस समय हम पियोवा के गांव थाना के टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 152 पर खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे, भारी धुंध होने के बावजूद भी यहां पर किसान आ चुके हैं और टोल को टोल फ्री कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, किसानों ने तीन दिन के लिए टोल फ्री करने के लिए यहां पर बैठ चुका गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि किसान कब तक टोल को टोल फ्री करते रहेंगे। उधर झज्जर में भी किसानों ने अपने आंदोलन के तहत छारा टोल पर जमा होकर टोल फ्री करवाया। हालांकि इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे। आज 25 दिसंबर है और किसानों ने जैसे 72 घंटे के लिए टोल फ्री के लिए कहा था, हम आपको बता दें कि ये एनएच हाईवे 334 भी है जो छारा गांव में पड़ता है। यहां पर सुबह से ही किसानों का जमावड़ा है और उन्होंने 72 घंटे के लिए यहां पर टोल फ्री करा दिया गया। मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर पुलिस प्रशासन व पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी है कि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो ताकि इन लोगों को शांतिपूर्वक, हालांकि यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और किसानों ने सुबह से ही 72 घंटे के लिए यहाँ टोल फ्री करा दिया। मैं कुछ किसानों से आपकी बात कराता हूँ। चिंटू जी, 72 घंटे के लिए टोल बिल्कुल फ्री करा दिए गए हैं? हाँ भाई, जो ये ऊपर से कॉल आई हुई तीन दिन के लिए 24 घंटे टोल फ्री है। क्या यहाँ पर आप लोग जाम करेंगे या कुछ इस तरह से कि बिल्कुल टोल फ्री कर दिया गया है या कुछ और भी आप लोगों के पास गाइडलाइन आई? न, जाम की कोई वो नहीं है, खुला है, आओ जाओ, व्हीकल आए जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। ये जवान है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी और जब तक हम लोग डटे रहेंगे। लगातार किसान एकता जिंदाबाद के नारों से ये टोल गुंजायमान है। सुबह 7 बजे से 72 घंटे के लिए टोल को जाम कर लिया है। जैसे जैसे इन लोगों के पास सिंगू बॉर्डर से आदेश आएंगे उसी तरह से वो फॉलो करेंगे। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यहां पर कोई भी बैरिकेड नहीं है, सीधा गाड़ी आती है और सीधा निकल जाती है, कोई भी टोल यहां पर नहीं लगाया गया है। किसान आंदोलन के तीसवें दिन रोहतक में भी इसका असर देखा गया। कृषि कानून के विरोध में टोल फ्री आह्वान के तहत किसान रोहतक के मकरौली टोल प्लाजा पहुंचे और वाहनों की आवाजाही को फ्री करवाया। किसानों ने तीन दिन पहले ऐलान कर दिया था कि 25, 26 और 27 के लिए तीन दिन तक टोल जो है बिल्कुल फ्री कर दिए जाएंगे। अभी की हम बात करें, हम रोहतक के मकरौली टोल प्लाजा के ऊपर खड़े हुए हैं जहां पर तमाम वाहन चालक बिना टोल दिए हुए जा रहे हैं। हालांकि किसान नेता और जो किसान हैं वो सुबह 7 बजे के करीब यहां टोल पर पहुंच गए थे और उन्होंने आते ही सबसे पहले टोलों को फ्री कर दिया था। हालांकि जिस तरीके की बात की जाए कि पहले से ऐलान किया हुआ था कि पूरे प्रदेश के अंदर टोल फ्री रहेंगे, तो इस वक्त रोहतक मकरौली टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी वाहन हैं वो बिना टोल दिए यहां से गुजर रहे हैं और किसी प्रकार का टोल नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर से कहना है कि लगातार 3 दिन तक 72 घंटे तक टोल रोहतक का बिल्कुल फ्री रहेगा। अभी मकरौली टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे वाहन बिना टोल दिए हुए गुजर रहे हैं। जारी किसान आंदोलन के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के लिए सौगात देंगे। पीएम आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। अब देखना होगा कि किसानों के साथ आज होने वाले संवाद में पीएम किसान आंदोलन पर क्या कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो ये किसान आंदोलन का 30वां दिन है और बीते 29 दिनों से आपने देखा कि किसान किस तरह से अपनी हुंकार भर रहे हैं, किसान किस तरह से कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। रोहतक की तस्वीर देखिए, पिहोवा, बहादुरगढ़, सोनीपत और झज्जर, जहां टोल फ्री कर दिए गए हैं और जहां किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से आह्वान किया गया था कि तमाम अपने आसपास के किसान जहां भी टोल लगता है वहां एकत्र हों और टोल फ्री करवाने की मुहिम में अपना योगदान, अपना सहयोग जरूर दें। तो ये रोहतक की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर पिहोवा से सामने आई है, तीसरी तस्वीर बहादुरगढ़ से और चौथी तस्वीर सोनीपत जिले से सामने आई है, पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं झज्जर जिले से, जहां जो किसान है वो टोल फ्री जो है आह्वान को लेकर यहां सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और 29 दिन हो चुके हैं किसानों को सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए, और आज 30वां दिन है। और इसी बीच देखिए, एक महीना पूरा होने को है लेकिन किसान जरा भी ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो पीछे हटेंगे या फिर वो किसी न किसी तरीके से इस बातचीत करके इस समस्या का समाधान कर लेंगे। किसानों का यही कहना है कि वो त्वरित समाधान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द किए जाएं, क्योंकि जिस तरह से ये एक देशव्यापी आंदोलन अभी देखा जा रहा है, तो अगर ये कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जो संदेश है वो भी लोगों के बीच में उस तरह से सकारात्मक नहीं जा पाएगा जिस तरह से ये किसान अब सोच रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। तो ऐसे में जो किसान हैं वो अलग अलग गांव देहात में भी सक्रिय नजर आ रहे, किसान आंदोलन को अपना सहयोग, अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। किसान उसका भी विरोध कर रहे हैं, किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो संवाद होगा उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं कि कौन से किसानों के साथ, किन किसानों के साथ, कौन से संगठन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता चर्चा करेंगे। और वो अपने मन की बात तो कर लेते हैं लेकिन किसानों की मन की बात कब सुनेंगे? जो किसान 29 दिन से यहां सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनसे मुखातिब होने के लिए ना तो कोई केंद्र की ओर से नेता आया है वहां और ना ही हरियाणा और पंजाब का कोई नेता यहां पर नजर आया है। हालांकि किसान भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस आंदोलन को गैर राजनीतिक आंदोलन बनाना चाहते हैं, किसी भी नेता और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का वो सहयोग समर्थन नहीं मांग रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं झज्जर जिले के, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमाकांत, ये बताएं कि यहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और आज टोल फ्री आह्वान किसानों की ओर से किया गया है, कई जिले हैं जहां पर टोल फ्री कर दिया गया है, तो यहां क्या तस्वीर, क्या ताजा जानकारी? मैं आपको बता दूं, यहाँ सुबह 7 बजे से ही 72 घंटे के लिए जैसे ही किसान जो संगठन है उन्होंने जैसे ही आह्वान किया, जहाँ पर 72 घंटे अलावा खाद के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 72 घंटे के लिए टोल फ्री करा दिया गया। कुछ किसान नेताओं के जब हमारी बात की तो उन्होंने कहा, जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता को नहीं छोड़ेगी हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे और सरकार को तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, उनसे बात कराते हैं। सुबह जो हमारे हेडक्वार्टर से जो आज शारदा सिंह सिंधु बॉर्डर से उन्हीं के आदेशों की पालना कर रहा हूँ। हम सुबह 8 बजे यहाँ पे आ गए थे और टोल पर्ची फ्री हमने करवा दिया है। पूरी तरह से 72 घंटे तक फ्री रहेगा, हमारी तरफ से क्या, हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से हमारे पास आदेश है 72 घंटे का, तो हम यहाँ 72 घंटे ही जमे रहेंगे और 72 घंटे के लिए हमने टोल फ्री करवा दिया। एडवोकेट अजय अलावत जी, कानून का भी जाता है 72 घंटे के लिए टोल फ्री करा दिया गया, पूरी तरह से कैसे बैठे नहीं टोल फ्री? तो जो यूनियन का आदेश है, जो किसानों का आदेश है वो तो करे कर दिया। सरकार ने चिट्ठी लिखी है किसानों को, वो अपनी हठधर्मिता थोड़ी कह रहे हैं, MSP पर बात नहीं करेंगे, फिर बात क्या पर करेंगे भाई? सरकार बात बात का नाम ले रही है, बोझ कुछ कर नहीं रही। जब तक सरकार, मैं तौदा को समझे आंदोलन की, किसान सब मजदूर सब इकट्ठे हैं, 85% जनता की आवाज है, अपनी हठधर्मिता छोड़ दें और किसानों से बात करके समाधान निकालना बोल सकते हैं। आंदोलन को इतना तेज कर देंगे सरकार में मुश्किल हो जाएगी। अलाव साहब, लगातार सरकार कह रही है कि किसान हठधर्मिता कर रहे हैं, हम लोग MSP के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तीनों काले कानूनों को वापस नहीं,
मैं बताता हूँ, एमएसपी पर सरकार की जो चिट्ठी आई है ना, उसने लिखा है एमएसपी पर बात नहीं करेंगे। एमएसपी किसी कानून का हिस्सा नहीं है, हमने चाहिए तो एमएसपी भैया। हर साल 3 लाख करोड़ रुपये किसान के एमएसपी से नीचे मिलता है, हमने तो वह रुपये चाहिए। हमने अपने अपना हिसाब लेना रहे, इनका ना 32-34 साल बाद ये आंदोलन आया है और ये हिसाब लेगा जागा किसान वोटर पर देखता। बुजुर्ग है ना, पूरी तरह से यहाँ पर जमे हुए हैं और टॉल फ्री करा दिया गया है, आगे के क्या आदेश है आप लोगों को? मैं प्रीत सिंह किसान से बात रहा अध्यक्ष, आगे का ये है या तो सरकार की मर्जी है, मोदी के पाले में गेंद है, चाहे आज समझौता कर लो और चाहे इसने 6 महीने और खेच लो, देश पाछे जागा। किसान दिल्ली से खाली हाथ आने वाला नहीं है, जब तक किसान अगर आप लोगों की मांगे आंदोलन कितना लंबा हो जाओ शांतिपूर्वक, आप तक पूछ के बताओ है आजादी के पहले आजादी के बाद इतना लंबा इतनी संख्या में किसान शांतिपूर्वक कदे नहीं आया था। और सवाल इसमें एमएसपी एकली का नहीं है, सवाल है 5 कानून है ये, एक इन्होंने 2 महीने पहले बनाया है, किसान से पराली जलाता पा गया 1 करोड़ रुपये जुर्माना होगा, 5 साल की कैद का प्रावधान है। केवल और केवल जो कोई खेती में सस्ती चीज हुआ बिजली है, ड्यूएल की खेती बिजली 10 रुपये यूनिट है, अगर जय अदानी को प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया ये 8 रुपये यूनिट हो जाएगी, 75 पार जा लिया डीजल, एक एक दिन में डीएपी 500 रुपये क्विंटल बढ़ जाए और दवाई का इनका कोई हिसाबा नहीं है, डीजल रोजाना बढ़िया है। केवल और केवल किसान एक इसी चीज अखबार भी लिखे, मीडिया भी कह के किसानों के लिए तोहफा 10 रुपये क्विंटल गंडे का रेट बढ़ाया है, जो कह रहे हैं 2022 में दोगुनी पैदावार करांगे, जमीन पर तो कुछ नहीं है, लक्षण नहीं है सरकार की, और पूरी तरह वापस ले तीनों के तीनों ये जो काले कानून बना दिए, अध्यादेश लाए थे कोरोना की आड़ में के लोग नहीं बोलेंगे, तीनों के तीनों दाल में काला हो तो अच्छा जाता है लेकिन दाल ही काली हो उसमें से क्या छट हो गया। या थे किसी सी बात के लिए मोदी सरकार के 3 गोली 10-10 ग्राम की है जहर की, और उसने कोई न्यू कह दे भाई 2-2 ग्राम घटा हूँ तो 8-8 ग्राम की खा ले, मानस ने वह बीमारी तरमीम की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। लगातार जगह हुए हैं और जो आंदोलन है वो नई नई जो रणनीति है किसानों की तरफ से बनाई जा रही है, आज 72 घंटे के लिए टोल को बंद कराया गया है, और सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए जो किसान अपनी बात रख रहा है ये तीनों काले कानून वापस लिए जाने चाहिए, किसानों की जायज मांग है, और जब तक ये तानाशाह सरकार नहीं जुटेगी हम शांतिपूर्वक ऐसे ही डटे रहेंगे। कुछ युवा किसान भी हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ, हॉस्पिटलाइज है, उसके बाद भी जैसे ही किसानों का जो अंदेशा हुआ ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। पहले तो आपकी खैरियत ठीक है, आपका ठीक है, 72 घंटे के लिए जो है आप लोग पूरी तरह सुबह से डटे हैं जी, जी सरकार से क्या मैसेज देंगे? सरकार से काले कानून वापस करवाने और कुछ नहीं, शांतिपूर्वक करने बैठे अपने हम तक नहीं माने सरकार तब तक यही। एडवोकेट साहब कुछ बताना चाह रहे थे, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार को इस आंदोलन की मैं फिर अपील कर रहा हूँ, मैं दबदा समझे ये किसान की आर पार की लड़ाई है, बिगी बार या तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा या उल्टे करवा देंगे, आर पार है इनका, आर पार कर देंगे। देखो भाई या दादालाई को नहीं मोदी आज कोई से काल कोई से, और ये तीनों कानून काले कानून वापस नहीं लेगी, इतने किसान उल्टे कभी नहीं हटेंगे, पढ़ना मंजूर है। और ये जो हम रोड नहीं कर रहे जाम जाम रोड सरकार करी है, हम तो सरकार आगे जाना चाहते हैं, सरकार हमें जान नहीं दे रही और ऊपर झूठाल जाम लाओ से अगले किसान रोड जाम कर रहे। लगातार किसान है वो डटे हुए हैं और कह दिया है कि जैसे ही सिंगू बॉर्डर इनका हेडक्वार्टर है, सिंगू बॉर्डर से जैसे ही फैसले आएंगे वो लगातार उसको फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। 72 घंटे के लिए यहाँ पर टूर को पूरी तरह फ्री करा दिया गया है, उसके बाद की जो भी होगी उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तस्वीर से मुखातिब कराने के लिए। रुक कर लेते कैथल की ओर जहां से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन आप भी बताएं यहां टोल प्लाजा की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और किसानों की हुंकार किस तरह से यहां नजर आ रही है? जी कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा के ऊपर किसानों की भारी जमावड़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टोल प्लाजा को 3 दिन के लिए फ्री करवा दिया गया है, सभी वाहन आराम से आ जा रहे हैं, किसी को टोल देना नहीं पड़ रहा है, और किसानों का कहना है कि 3 दिन तक यही कैंप लगाकर रहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में बॉर्डर पर लोग डटे हुए हैं 3 दिन यही किसान डटे रहेंगे, कैंप लग चुके हैं, लंगर पानी के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं।
विपिन, अगर यहाँ इन किसानों की बात करें तो देखें, किसान जो है ये किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, ये किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके ये जो किसान यहाँ टोल प्लाजा पर आज पहुंच रहे हैं, क्या उद्देश्य है इनका? 25 से 27 तक टोल क्यों फ्री करवाना चाह रहे हैं? ये आक्रोश तो है, लेकिन क्या कारण, क्या तर्क किसानों की ओर से दिया जा रहा है इसी बीच? जी, ये किसानों से हमारी सुबह भी बात हुई, इनको साफ साफ कहना है कि सरकार इतने दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बात सिरे नहीं लग रही है, इसलिए आंदोलन को तेज करना उनकी मजबूरी है। अभी तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन के लिए टोल प्लाजा को बंद करवाया ताकि पूरे एक मैसेज आए दिल्ली में कि पूरे हरियाणा पंजाब और जो भी किसान है पूरे देश भारत का वो उनके साथ है, उनके एकजुट होकर। किसानों का ये भी कहना है कि सरकार ने SYL के नाम पे किसानों को लड़वाने की कोशिश की थी, उनको नाकामयाब रहे। उनका मानना है कि पहले जमीन बचाई जाएगी, उसके बाद भाईचारा बचाया जाएगा, उसके बाद पानी की बात कभी की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा हमारा। देखिए, बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम लगातार तस्वीरें अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां पर टोल फ्री का कितना असर नजर आ रहा है और किसान किस तरह से अपनी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। सरसों टोल की ओर रुक कर लेते, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं, यहां किसानों की हुंकार किस तरह से देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर मिल रही है? सोनिया जी, अगर सरसों पिपड़ी की बात की जाए तो NH-52 पर ये हिसार के पास स्थित है, तो इस पर है सुबह 8 बजे ही किसानों ने इसको टोल फ्री करवा दिया था और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर बैठ गए हैं। उसके बावजूद ये आज का ही नहीं 25, 26 और 27 3 दिन के लिए टोल फ्री कर दिया गया है। किसानों का जिस प्रकार से आह्वान था कि 3 दिन के लिए टोल फ्री किया जाएगा, तो किसानों ने सुबह 8 बजे से लेकर 27 तारीख तक इसको टोल फ्री कर दिया है। जी अनूप, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे बात करें, उनसे आप जानें कि देखिए आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 29 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में इन किसानों का क्या सोचना है? आंदोलन तो और लंबा चलेगा, और कितने दिन लगेंगे, क्या क्या और मांगे इनकी? बिल्कुल, हम किसानों के साथ आ चुके हैं। सर, जो ये टोल का आपका फैसला है, कितने दिन का है और कैसे चलेगा? जो 25, 26, 27 तीन दिन का है और यहाँ पे तो टोल फ्री चलेगा, किसी भी तरह का किसी कोई भी चार्ज नहीं होगा, टोटली जितने साधन जो हाईकमान के आदेश है उसके मुताबिक 3 दिन का। तो 3 दिन तक किसान यही बैठे रहेंगे? हाँ, 3 दिन तक धरना लगभग यही होगा, रात को भी मान लो 10 या 15 जितने भी है उसके हिसाब से मान लो रात को भी ना करते हैं, रात को भी आकर 24 घंटे रात को दिन 3 दिन तक यहीं पर किसान है। और जिस प्रकार से किसानों की मांगे अभी तक मानी नहीं जा रही, 12 दिसंबर को भी 1 दिन के लिए टोल फ्री किया था, तो आगे क्या रणनीति रहती? रणनीति तो हाईकमान तय करेगा, जो किसान मजदूर समन्वय कमेटी है वो तो 40 सदस्य जो कमेटी बनी है, हमने तो वहां से जो आदेश निर्देश मिलेगा उसके मुताबिक कार्रवाई करना है। ये जिले की है, हल्का स्तर की है, यहाँ सारे गठन हो चुके हैं, जिला स्तर का तो जितने भी संगठन थे सभी में से उनका एक सिस्टम बना के और उसका एक संगठन तैयार कर दिया जिला स्तर का, हल्का स्तर का सभी संगठनों में से हम लेके आते हैं हर अनूप, क्योंकि हम कल तस्वीरें देख रहे थे आपके क्षेत्र की, वो तस्वीरें थी जहां दुष्यंत चौटाला का एक कार्यक्रम था और वहां किसान पहुंचे, काले झंडे दिखाई और इसी बीच उनका वो कार्यक्रम रद्द भी किया गया। तो ऐसे में इन किसानों से जाने के देखे, किसान आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन जो सत्तासीन विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके आवास का भी किसानों की ओर से घेराव किया जा रहा है। तो यानी किसान आंदोलन की जो गूंज है वो गांवों की चौपाल तक देखी जा रही है, गांव देहात के किसान भी एकत्र होकर अपने क्षेत्र के तमाम नेताओं तक पहुंच रहे हैं और खासतौर पर सत्तासीन नेताओं के आवास के इर्द गिर्द वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे जानिए कि आक्रोश ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? जिस प्रकार से किसानों ने कल राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का घेराव किया है और दुष्यंत चौटाला का आने का प्रोग्राम था वहां पर भी उन्होंने किसानों से, आपको हम तो किसानों का समर्थन कर रहे हैं,
या ये सुड्डा साहब बताएंगे, ये भाई साहब बगजी बता रहे थे राजू, इनको ज्यादा जानकारी है, वो तो आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं। आप कौन सी पार्टी की तरफ से? मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह गंगुआ नाम है मेरा, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था अभी जो पीछे हुआ था। कैसा जो सांसदों का घेराव किया है कल, उसको आप कैसे देख रहे? चलिए अनूप, आप ये बातचीत जारी रखिए, अब रुक कर लेते कैथल की, जहां से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब विपिन, सवाल मेरा आपसे है कि यहां जो किसान है वो लगातार हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, और इससे ये भी लग रहा है कि आंदोलन और भी लंबा चल सकता है, क्योंकि किसान मानने को तैयार ही नहीं, कृषि कानूनों में संशोधन वो नहीं चाहते, किसान चाहते हैं कि कृषि कानून ही रद्द किए जाएं, और इस पर केंद्र सरकार जो है वो अपनी सहमति जाहिर नहीं कर रही है, तो यहां किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? जी हम देखेंगे, हम यहाँ पे सुबह 7:30 पर किसान आ चुके थे दिल्ली की एक कॉल पर कि 3 दिन के लिए टोल प्लाजा को टोल फ्री करवाना है। किसान एकजुट है, सरकार ने एसवाईएल के मुद्दे पर भी किसानों को भटकाने की कोशिश की, परंतु किसान इसके बहकाव में नहीं आए। उनका कहना है कि हमारा भाईचारा कायम है, पहले हम जमीनें बिटाएंगे, पानी की बात नहीं करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं हर बिरादरी के लोग, यहाँ पे हर तरह के लोग यहाँ पे जो देखें टोल प्लाजा पे स्टैंड लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, टोल को फ्री करवा दिया गया है। और मेरे साथ कुछ किसान, युवा किसान भी है जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सीधी उनकी बात करना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि प्रदर्शन ये लंबा होता जा रहा है प्रोग्राम, तो कुछ कमजोर नहीं हो जाएगा? प्रदर्शन जितना लंबा हो रहा है बल्कि उतना ही मजबूत हो रहा है, क्योंकि अब ये किसान आंदोलन ही नहीं कह सकते, ये जन आंदोलन बन चुका है। अभी आप देखिए यहाँ पे सबसे युवा और बुजुर्ग तक अपने यूनियन के किसानी के झंडे उठा के यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये आंदोलन किसी भी बेहतर लंबा चले जाए उतना ही मजबूत होगा, कमजोर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि किसान के हकों की लड़ाई है। और हर ग्रामीण अंचल में जो किसान रह रहे हैं उन्हें भी समझ में आ गया है, चाहे वो बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ गया है कि ये जो कानून है ये हमें ले डूबेंगे, और ये हमारी फसल और आने वाली नस्ल सभी को बर्बाद कर देगा। जी इनसे जानिए विपिन के अब जो फसलें हैं, जो बिकी फसलें, चाहे हम बाजरे की बात करें, चाहे हम धान की फसल की बात करें, नरमा भी इसी बीच हुआ, तो क्या इन किसानों को कुछ लाभ हुआ, आवक हुई? क्योंकि किसान बार बार एमएसपी बरकरार रहेगी ये तय करने की बात कह रहे हैं, कह रहे कि पुख्ता आश्वासन हमें एमएसपी का चाहिए, लेकिन जानना जरूरी हो जाता है क्या एमएसपी फिलहाल मिल रही है किसानों को? सरकार जैसे कि 3 कानून में बात कर रहे थे किसान की एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी अभी तक से बरकरार है, क्या वाकई ही एमएसपी मिली है इस बार आपको, नहीं मिली है इस बार एमएसपी? मैं बताना चाहूंगा, एक बार मैं मंडी में ही था जब एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी से बहुत ही कम रेट में फसलें अब की बार भी खरीदी गई है, और ये जो सरकार बार बार दावा कर रही थी मीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से, वो इनके जो सारे दावे हैं वो ठोसे फैल हुए हैं, और किसी भी तरह की पूर्णतः एमएसपी नहीं दी गई, और अभी भी जो ये एमएसपी का बतावा दे रहे हैं किसान को, किसान बहकावे में नहीं आएगा। किसान का साफ तौर से कहना है कि लिखित रूप में कानून बनाइए, हम तो सब मानेंगे, मोदी ने जब भी कहा था 15 लाख आएंगे हर किसी के खाते में आएंगे, देश को ये बना दूंगा, मेट्रो वो बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब युवा मजदूर किसान सब समझ चुके हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, लिखित में कानून बनाइए तभी इससे, क्योंकि सभी को कानून प्रक्रिया पे ही विश्वास है, जो कानून बनाए गए हैं उसी के भरोसे देश चल रहा है, वरना सरकार ने तो झूठ बोल बोल के इस देश का नाश कर दिया है। विपिन, ये जो किसान है ये केंद्र सरकार से तो सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, इसी बीच प्रदेश सरकार के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान से सरकार की ओर से जो जिस तरह से फसलों की खरीद की गई, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रही, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की बात करें या फिर खेती किसानी की हम बात करें, तो प्रदेश सरकार के रवैये से ये किसान कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, जानिए इनका रवैया क्या है। जिस तरीके से आप लोग केंद्र सरकार से तो मांग कर रहे हैं बार बार कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, सरकार ने रजिस्ट्रेशन की बात की, मेरा ब्यौरा मेरा पोर्टल के थ्रू खरीदारी की बात की, तो कितना संतुष्ट है राज्य सरकार से, आपने हरियाणा सरकार से कितनी मांग की है सामने देखिए भाई साहब, हम इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी बिकी नहीं है फसल किसी भी सरकार, ये तो साफ एक प्रोपेगंडा रख रखा है इन्होंने, भाई हाँ इस भी बिकेगी आपकी एमएसपी बिकेगी, ये बिकेगी, 15-15 दिन हमारी फसल यहाँ पे मंडी में पड़ रही है, 15-15-20-20 दिन लोग। विपिन, ये बातचीत जारी रखिए, अब रुक कर लेते हैं बादली से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनकी ओर। मनोज, आप भी अपने यहाँ की सीधी तस्वीरों से हमें मुखातिब कराएं, ताजा जानकारी दें। जी
क्या तस्वीर नजर आ रही है यहाँ? जी बिल्कुल सुनत, जैसे किसान संगठन की तरफ से आज जो टोल फ्री करने का जो रणनीति पे काम किया जा रहा था, उसी तरह से आज जो किसान है वो यहाँ पहुंचे। आप मेरे पीछे टोल देख सकते हैं, टोल किसानों ने फ्री करवाया है और जो किसान नेता है वो यहाँ भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। इनका कहना है कि जो आज जो टोल फ्री करवाया है, इसे 3 दिन तक टोल को फ्री रखा जाएगा और किसानों जो है अभी टोल पर मौजूद है। हालांकि टोल मैनेजर के साथ कुछ बातचीत भी हुई है, लेकिन जो टोल मैनेजर ने जब टोल फ्री करने से मना किया था, जबरदस्ती किसानों ने जबरदस्ती बैरियर से हटाकर टोल को फ्री करवाया। मेरे साथ यहाँ किसान नेता भी है, मैं इनसे उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनकी नीति है, क्या रणनीति जो इनकी आगे रहेगी। और पूरा दिन अभी शेष है, अभी इन्होंने अभी कुछ मिनट पहले ही टोल को फ्री करवाया है। तो मेरे साथ जो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र डागर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डागर जी, आप यहाँ टोल पर पहुंचे, क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो जी, रणनीति यही है हमारी, 72 घंटे के लिए 25, 26 और 27 तारीख को हमने पूरे हिंदुस्तान में टोल ये टैक्स है जो ये फ्री करवाने का काम किया है जो हमारे नेता लोगों का आदेश था। और 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, उसका भी हम विरोध करेंगे। पूरे किसान भाई उसका थेड़ी बजा के, हथेड़ी बजा के या थाली बजा के, ढोल बजा के हम मन की बात का भी विरोध करेंगे। तो क्या कुछ नजर आ रहा है कि लंबा आंदोलन हो चुका है अभी? देखो, लंबा जितना मर्जी करो, हमने एक मन बढ़ा लिया। हमारे चौधरी साहब कह रहे थे, टकेट साहब कह रहे थे, हम 26 तारीख को जहाँ से जो बैठे हैं किसान बैठे हैं धरनों पे जो बैठे हैं, हम 26 तारीख को परेड देखने यहाँ से चलेंगे। जो हमारी दिल्ली की मुखमल की जो सड़कें बनी हुई है, हम ट्रैक्टर लेके तिरंगा लगा के वहाँ परेड में भी मिलने का काम करेंगे 26 तारीख तक। यही हम तो परेड कल यहाँ पर किसान नेता राकेश दिक्कत जी आए थे, क्या कुछ बोलते भाई? देखो जी, उनका तो शुरू से यही कहना है, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, रास्ता रोक के प्रशासन ने रास्ता रोक के, हम तो किसान बैठे, आप रास्ता खुलवा दो, हम दिल्ली में चलना जा रही है, हम दिल्ली में पहुंच जाएंगे। और तो हमारे टकेट साहब का तो यही आदेश है कि भाई आप शांति से बैठो, जब तक हमारे तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे जब तक हम बैठने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक नेता हमारे साथ और है, विजयपाल जी, इनसे बातचीत करते हैं। विजयपाल जी, आज ये कार्यक्रम की आपको क्या खुशी? ठीक है, बड़े शांतिपूर्वक इन्होंने मान ली, हमने बोल दिया भाई 72 घंटे बंद रहेगा, इन्होंने अपने ताले लगा दिए। तो पुलिस फोर्स की तरफ से कोई प्रशासन कोई दबाव ना, इसमें किसी पुलिस फोर्स का कोई दबाव नहीं है, पुलिस फोर्स भी अपने बात सुन रही है, बड़ी शांति से काम। तो किसानों का कहना है कि न तो उन्हें पुलिस फोर्स की तरफ से रोका गया, हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ एतराज जताया गया, लेकिन फिलहाल जो है टोल बिल्कुल फ्री है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि टोल जो बैरिकेड्स से बिल्कुल हटा दिए गए हैं और किसी प्रकार का कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, केंद्र सरकार अब तो किसानों को वार्ता चर्चा के लिए पत्र भी लिख रही है, उन्हें निमंत्रण भेज रही है, तो ऐसे में जो किसान नेता है वो आनाकानी करते क्यों नजर आ रहे हैं? केंद्र सरकार किसानों से पूछ रही है कि हम तो आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप वार्ताओं का जो दौर है वो जारी रखना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों आप तिथि तय नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से बार बार बातचीत का जो न्योता दिया जा रहा है, तो किसान नेता क्यों पीछे हट रहे हैं बातचीत करने से? देखो, न्योता नहीं दे रहे, वे एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, उनके मन में पाप है कहीं ना कहीं, ये करना नहीं चाह रहे किसान को। अभी इम्तिहान हमारा लेना और बाकी रह रहा है कुछ, एक भी नहीं से हम बैठे हुए हैं। अभी सरकार के मन में कहीं ना कहीं उनका दिमाग अभी ठीक काम नहीं कर रहा है। अभी किसके कहने से कुछ लोग वे बैठे हैं, ये मैं समझता हूँ। हम तो पहले समझते थे प्रधानमंत्री, लेकिन हम तो समझते प्रधानमंत्री जी हैं खाली नाम के लिए, इस देश को तो वहां बैठे कुछ लोग चला रहे हैं, 3-4 लोग हैं वही इस देश को चला रहे हैं। उनके कहने से तस्वीरों से मुखातिब कराने के लिए अनूप आपका भी बहुत शुक्रिया, विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में टोल को फ्री कराया गया है और किसान डटे हुए हैं। किसानों का यही कहना कि वो जब कृषि कानून रद्द हो जाएंगे तभी दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गांव अपने गृह राज्य लौटेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि किसान आंदोलन और कितना लंबा चलेगा, क्या केंद्र सरकार किसानों को मना पाएगी या फिर किसान जो भी अपनी उनकी मांगे हैं उन मांगों पर केंद्र सरकार को सहमत कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।